हांसी के ऐतिहासिक आमटी तालाब में आज सुबह एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तालाब से शव को निकाला व मौके पर मृतका के परिजनों को सूचित किया। मृतका के भाई ने बताया कि वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो उसकी बहन की थी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो कल सुबह घूमने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आई तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। आज सुबह पुलिस ने उनके इस मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया व मृतिका के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, घटना कल वो 11 बजे हमें मेरी मम्मी को ये बोल के निकली थी कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो हमने वो डेली जाती थी तो हमने सोचा ठीक है, वो डेली जाती है कोई बात नहीं है, चली जा तो, और फिर वो एक घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद वापस घूम फिर के आ जाती है, तो उसी तरह कल भी उसी तरह वो गई थी और लगातार फिर 2 घंटे हुए, तो हमने सोचा आज आई क्यों नहीं है, तो हम उसी टाइम 1 बजे से लगातार लग गए। सुबह के 6 बजे तक हमने पड़ोसियों ने लगभग पूरी रात इशार पूरा हाँसी छान मारा, पूरा इशार छान मारा, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली। और अब आज हमें खबर मिली है किसी के द्वारा कि आपकी लड़की कोई आमटी तालाब में डेड बॉडी पड़ी है, आप देख लीजिए, तो हमने चेक किया तो वो हमारी बहन ही निकली कि ज्योति नाम था, उसकी उम्र 28 से 29 साल के बीच में थी। आज सवेरे आना एक हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी एमटी तालाब के अंदर पानी के अंदर तैर रही है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं, डेड बॉडी को हमने पानी से निकलाया तो उसके परिवारजन पहुंचे, तो उनके परिवारजनों ने शिनाख्त करी है। अब वो कंप्लेंट या बयान जो भी दर्ज कराएंगे कार्रवाई अमल में। ये लड़की है जगदीश कॉलोनी की, अपने जगदीश कॉलोनी की लड़की है और मैरिड है सर। अब फिलहाल तो शिनाख्त कराएगी, ये परिवारजन आ गए हैं, अब उनके परिवारजन जो भी कंप्लेंट देंगे या जो भी बयान दर्ज कराएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाएगी। हाँ, अभी डेड बॉडी को अपने मोर्चरी में रखवा दिया गया है, अभी वो जो बयान दे रहे हैं या जो भी कंप्लेंट देंगे उस पर कार्रवाई अमल में लाएगी।